अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों, बहनों, भाइयों, आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। आज आपको ज़बान बंदी का सिफली तावीज़ बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अमलियात की अपडेट्स वीडियो की आपको मिल सकें। आप अपनी स्क्रीन पर जो नक्श देख रहे हैं ये आपने बनाना है 12 बजे से 1 बजे के दरमियान। किसी भी दिन बना सकते हैं, वक्त 12 से 1 बजे के दरमियान का होना चाहिए। दोस्तों, ये नक्श आपने आतिशी चाल के मुताबिक बनाना है। ये आतिशी तवीज़ है, आतिशी चाल के मुताबिक बनाना है। आपने सबसे पहले खाने बना लेने हैं, ठीक है। उसके बाद ऊपर लिखना है ओम नारायण हरि ओम, जो लिखा हुआ है ये हिंदी में यही लिखना है। फिर इसको आतिशी चाल के मुताबिक नक्श को पूर करना है। जिसको आतिशी चाल का नहीं पता, हमारे चैनल में लिंक दी हुई है कि आतिशी चाल क्या है, उसके मुताबिक बना सके। चाल के मुताबिक ये होता है कि अब नक्श कौन सा खाना पहले पूर करते हैं, कौन सा बाद में, तब जाकर तवीज़ असर करता है। आतिशी चाल के मुताबिक आपने इसको बना लेने के बाद आपने करना क्या है कि ये तावीज़ के नीचे बंद गर्दन ज़बान, यहाँ पर उसके बाद अजबत की फलां बिनत फलां, यहाँ पर आपने लिखना है बंद गर्दन ज़बान अजबत की जगह आपने उसका नाम लिखना है जिसकी आपने ज़बान बंद करनी है, ठीक है, उसका नाम लिखना है। उसके बाद बिहक्के, उसके बाद हक, फिर अपना नाम बिहक या हक, अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, ये लिख देना है। 7 तवीज़ बनाएं, रोज़ाना इन 7 तवीज़ों को जलाएं, ठीक है। 7 तवीज़ एक ही दिन बना लें, हर रोज़ एक एक तवीज़ को जलाते जाएं। जहन में यही रखना है कि आपके दुश्मन की, आप किसी भी मसले में हैं, किसी की ज़बान बंद करना चाहते हैं तो बंद हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, कोई भी सवाल हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पर अमल के मुताबिक रابطہ ना कीजिएगा, कमेंट में पूछिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।